ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो विषय है, जब इस पर हम आज बात करते हैं, तो ये कुछ संवैधानिक प्रावधानों के तहत करते हैं और 70-75 साल के जो आज़ादी के साल हैं इसके संदर्भ में करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कि शाहीन बाग के आसपास कोई एक प्रायोजित भीड़ कुछ ऐसे अनर्गल विषयों को लेकर आ जाए और वो उसको अभिव्यक्ति की अपनी आज़ादी का अधिकार समझती है। अगर हम केवल इतने फ्रेम में सोचेंगे तो हम भारत के साथ अन्याय करेंगे कि बाघा बॉर्डर पर कोई जमा हुआ है जमावड़ा और वो कोई संविधान में दिए गए प्रावधानों को अपने लिए प्रदत्त कोई एक अनंत आज़ादी समझ रहा है, तो ये एक गलत किस्म की एक परिभाषा हम करेंगे। जब भारत के संदर्भ में इसकी बात होती है, मैं जब ये विषय आया तो मैं सोच रहा था कि अभिव्यक्ति का मतलब क्या है। पूरी धरती पर एक अभ्यास करें हम सब लोग, पूरी धरती पर मानव सभ्यता के पूरे विकास में जो भी चरम स्पर्श किया है मनुष्य ने, तो ऐसी 10 अभिव्यक्तियां क्या हो सकती हैं जो हम लिस्ट करें, सूची बनाएं उसकी, कि ये बातें जो हैं ये पूरे मानव सभ्यता के इतिहास में धरती पर किसी भी कोने में कुछ ऐसा अभिव्यक्त किया हो तो वो क्या हो सकते हैं। मैं जब इस विषय में गया तो मैंने एक सूची बनाई कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो मैं एक वाक्य पर ठहरा। हो सकता है आप बनाएंगे आपकी कुछ अलग चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन एक बड़ा जानने जैसा एक अभ्यास ये होगा कि हम एक ऐसी सूची बनाएं जिसमें इतिहास में अब तक जो कुछ भी अभिव्यक्त हुआ है शब्दों में, कलाओं में, अलग अलग रूपकों में, वो क्या है जो दर्ज करने योग्य है। तो वो क्या है जो हमारी स्मृतियों में अब तक दर्ज है, तो उसमें एक वाक्य जो है, जो 4 महावाक्य कहे जाते हैं जो आदि शंकर के गुरु ने उनको कहे थे, उसमें जो पहला वाक्य है जो किसी उपनिषद का आया है और वो है अहम ब्रह्मास्मि। ये जो घोषणा है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं नहीं समझता कि धरती पर इससे बड़ी कोई अभिव्यक्ति हो सकती है कि कोई ये घोषित कर दे कि मैं ही ब्रह्म हूं। और ये भारत ने किया, ये भारत के किसी महापुरुष के मस्तिष्क में पहली बार आया हुआ कोई विचार होगा जो शब्दों में अभिव्यक्त हुआ, लेकिन ये केवल टेबल कुर्सी पर बैठकर लिखी गई किसी किताब का मामला नहीं है। ये बहुत गहरी अनुभूतियों से निकलने के बाद किसी ने अपनी अंतर यात्रा में ये महसूस किया होगा कि मेरे भीतर जो है वही ब्रह्म है, तो वो ये घोषणा की उसने कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इससे बड़ी कोई अभिव्यक्ति मानव सभ्यताओं के विकास में जो धरती पर अब तक हुआ है दर्ज स्मृतियों में, कोई नहीं हो सकता। और इसके आगे 3 वाक्य और हैं, अयात्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ज्ञान है वही ब्रह्म है। इन सब चीजों में ईश्वर को अनुभव करना और ये घोषणा करना, और वो कैसा समाज रचा होगा कि हजारों वर्ष पहले किसी ऋषि ने ये घोषणा कर रहा है वो कि मैं ही ब्रह्म हूं, तत्वमसी दूसरा उसका महावाक्य है कि तुम भी वही हो, तू भी वही है, तो जो मेरे भीतर है वही मैं आपके भीतर देख रहा हूं। और जब ये दृष्टि मैंने पाई और ये अभिव्यक्ति मैंने की, तो मैं इसमें सब में वही देख रहा हूं, मैं पर्वतों में भी वही देख रहा हूं, मैं नदियों में भी वही बहता हुआ देख रहा हूं, मैं पक्षियों में वही उड़ता हुआ देख रहा हूं, मैं पत्थरों में भी वही देख रहा हूं, इसलिए पाषाण में भी मैंने मूर्तियां रची हैं, वो अभिव्यक्ति मैंने शिल्प में की है। तो वो कैसा समाज भारत ने रचा होगा कि जो ये सुनकर उद्वेलित नहीं हुआ कि ये दावा कोई कैसे कर सकता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, ये कैसी बातें की इसने, ये कोई सभ्यता के विरुद्ध गया हो, कोई संहिताओं के विरुद्ध गया हो, तो ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है कि जिसने ये कहा अहम ब्रह्मास्मि और उसके कोई हत्या के आदेश जारी हुए हों, किसी दूसरे ऋषि ने हत्या के आदेश जारी किए हों कि ये कैसा दुस्साहसी और अनुशासनहीन व्यक्ति है जो खुद को ब्रह्म होने की घोषणा कर रहा है, ये कैसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की ये नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसा कोई विवरण इतिहास में नहीं है कि इसको कहने पे किसी का सर कलम किया गया हो। ऐसा समाज, ऐसा उदार उदात्त समाज, ऐसे लोग उस समय थे कि जो ये सुन पाए और जिन्होंने
इस वाक्य को केवल किसी की व्यक्तिगत अनुभूति जो अभिव्यक्ति में उजागर हुई वहीं तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसको अपनी स्मृतियों में सहेजा और हजारों साल से ये सारी चीजें बहती हुई चली आई हैं हम तक, आज तक, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वो कैसा समाज था भारत का जो ये बर्दाश्त कर सकता था कि कोई व्यक्ति अपनी साधना से अगर किसी अनुभव को उपलब्ध हुआ है और वो ये घोषणा कर रहा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ और उसको स्वीकार कर रहा है, उसका स्वागत कर रहा है और उसके कहे हुए इस वाक्य को अनंत पीढ़ियों तक अपनी स्मृतियों में वो बहता हुआ हम तक आता है। 922 ईस्वी में एक मंसूर नाम का फकीर हुआ जो पारसी से धर्मांतरित मुस्लिम था और वो भी इसी अनुभूति को पहुंचा एक दिन, और उसने अपनी भाषा में वहां कहा अनल हक, फारसी में उसने कहा अनल हक, जिसका मतलब यही है मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो अब वहां का जो समाज है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है ये देखिए कि भारत के दृष्टिकोण में और दुनिया के दृष्टिकोण में चीजों को स्वीकार करने की या अस्वीकार करने की कितनी क्षमता है, कितनी सामर्थ्य है, क्या पाचन शक्ति है। उसके खिलाफ फतवे होते हैं, उसको मृत्यु दंड दिया जाता है, उसको महल के सामने फांसी पर टांगा जाता है और उसको एक एक शरीर का अंग उसका अलग किया जाता है कि तुम इस बात से मुकर जाओ ये तुमने कुफ्र किया, ये तुमने काफिरों जैसी बात की, ये कैसे तुम, क्योंकि अनल हक का जो तर्जुमा वो कर रहे हैं मैं ही खुदा हूं। अब खुदा कोई कैसे घोषित कर सकता है, खुद को वो तो सात आसमान के ऊपर बैठा है और कयामत के दिन फैसले करेगा। तो कोई धरती पर किसी की ऐसी जरूरत तो ये बाजिबुल कत्ल है, तुम्हें मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए, हमारी पाचन शक्ति इतनी मजबूत नहीं है कि हम तुम्हारी इस बात को बर्दाश्त कर सकें। तो उसको मृत्यु दंड मिला और उसको जब दफनाया गया तो ऐसे भी विवरण हैं कि इससे ही बात नहीं बनी, उस समाज की आप कल्पना करिए और तुलना करिए हमारे समाज से जो उससे हजारों साल पहले इतना उदार, इतनी विस्तृत सोच वाला कि ये बर्दाश्त कर सकता है और उस बात को अपनी मान्यता की मोहर लगा सकता है कि वो पीढ़ियों तक हजारों वर्षों से स्मृतियों में हमारे सुरक्षित हैं। ये लाश को निकाल कर उसकी कब्र में से उसको फिर जलाया गया और नदी में उसके अवशेष बहाए गए कि सदियों में भी तुम्हारा कोई अंश मिल ना जाए कि जिसने ये कहने की जरूरत की कि मैं ही खुदा हूं। और एक एक शरीर का जब उसके अंग काटा गया है तब भी वो एक ही बात कहता रहा अनल हक, मैं ही ब्रह्म हूं और उसको नष्ट करने की तुम्हारी तो सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी मुझे नष्ट कर सकते हो। तो अब ये जो पूरे भारत को समझने की चार्वाक एक परंपरा है या एक ऋषि का नाम है और उसने हजारों वर्ष पहले, मुझे एक मेरे गुरु हैं और वो एक श्लोक मुझे सुनाया करते थे, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृतवा घृतम पीवेत भस्मी भूतस्य देहस पुनरागमन कुतः, जब तक जियो सुख से जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृतवा घृतम पीवेत, भले ही ऋण लेना पड़े लेकिन घी के नीचे मत आओ, घी ही पियो, भस्मी भूतस्य देहस्य, देह को एक दिन भस्म होना है, पुनरागमन कुतः, किसको पता कि हमारा पुनर्जन्म है या नहीं है। अब ये जो बंदा है या ये जो परंपरा है चार्वाक के नाम की, ये क्या कह रही है? आप इस श्लोक को केवल हंसी में उड़ाने वाली बात नहीं है, कितना गंभीर स्टेटमेंट वो ये दे रहा है, कितनी गहरी उसकी अभिव्यक्ति है, वो आपकी पूरी परंपरा को चोट पहुंचा रहा है, वो पूरे पुनर्जन्म की अवधारणा को चोट कर रहा है कि कोई पुनर्जन्म नहीं है, इसी में ऐश करो, मस्ती में जियो, कर्ज लेके घी पियो, ऐसा एक दर्शन आपको दे रहा है, बिल्कुल भौतिकवादी दर्शन, कहीं कोई अध्यात्म इसमें नजर नहीं आता। इसमें चार्वाक के दूसरे रचनाओं में हमें चीजें मिल जाएंगी लेकिन ऐसा कोई विवरण नहीं है हमारे शास्त्रों में और इतिहास में कि चार्वाक के लिए किसी अदालत ने, भारत के किसी न्यायालय ने, कोई ऋषियों के किसी आश्रम ने उसको मृत्यु दंड की सजा सुनाई हो कि यह क्या उल्टी बात कर रहा है, यह हमारी परंपरा को चोट कर रहा है, हमारी मान्यताओं को चोट कर रहा है। उसको भी ऋषि माना, कितनी बड़ी बात कही आपने, क्या आपका दर्शन है, उसको भी दर्शन माना एक और उसको स्वीकार किया। आप इससे भारतीय दृष्टिकोण का जरा अंदाजा लगाइए कि वो कैसा समाज था जो इसको सहन कर सकता था और उसने सहन किया और सहन ही नहीं किया, उसके शास्त्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया
और स्मृतियों में सुरक्षित रखा, ये आज तक हमारी स्मृतियों में सुरक्षित है। हमें पता नहीं चारवाक कब और कहां हुए। अभी अकबर के समय एक मलूक दास का एक दोहा हम सब एक कहावत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। क्या बात कर रहा है ये, इसका स्टेटमेंट जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से इसका अर्थ ग्रहण करिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या, ये कर्म की पूरी हमारी जो चिंतन परंपरा है उसको बिल्कुल खिड़की में से बाहर फेंक रहा है। वो कह रहा है कि कोई करने की जरूरत ही नहीं है, विश्राम करो। इससे आगे उसका एक जो स्मृतियों में नहीं है, वो कहता है कि माला जपो ना कर जपो, जिह्वा लियो ना नाम, हरि मेरा सुमिरन करें मैं पायो विश्राम। मतलब मैं ना तो माला जपता हूं, ना मेरी जिह्वा उसका नाम लेती है, मैं कोई सुमिरन नहीं करता हूं, हरि मेरा सुमिरन करें, खुदा खुद मेरी इबादत करता है, मैं तो आराम फरमाता हूं। ये उसकी घोषणा है। अब कोई ये कह दे कि खुदा मेरी इबादत करता है, अगली सुबह के सिंगल समाचार, सिंगल कॉलम समाचार होगा उसका फ्रंट पेज पर, तमाम सारी धाराओं के तहत पुलिस प्रभारी ने यह बताया कि अज्ञात लोग आए और सर कलम करके चले गए। ये हमारी स्थिति है। तो भारतीय दृष्टिकोण अभिव्यक्ति के संदर्भ में एक बहुत अद्भुत गहराई में रहा, एक बहुत अद्भुत ऊंचाई उसने छुई है। ये सारे उदाहरण ऐसे अनंत हैं जो इस विषय में दिए जा सकते हैं। गीता क्या है? गीता एक व्याख्यान है, एक क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो क्लासरूम में नहीं है, जो ग्राउंड पर है, और उसके ठीक बाद उनको प्रयोग में जाना है। वो लेबोरेटरी में खड़े हुए हैं, इस लेक्चर के ठीक बाद वो प्रयोग में चले जाएंगे, दोनों तरफ से तैयारी है। अब इस व्याख्यान में ऐसा क्या है जो 5000 साल से हमारी स्मृतियों में ना सिर्फ बह रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के प्रबुद्ध दार्शनिकों को आकर्षित कर रहा है कि इसमें कोई बात ऐसी कही गई है जो मनुष्य मात्र के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपनी स्मृतियों में सुरक्षित रखें और अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाए, ऐसा क्या? तो वो क्या चीज है जो ये मंत्र बन जाती है और भारत उसको ऐसे सहेज के चलता रहता है, कभी उस पर कोई ऐसे फतवे, कोई आपत्ति विपत्ति, कोई कारण ही नहीं बनती। जो भी बहुत ताजा उदाहरण है राम कृष्ण परमहंस का, उनके बारे में कहते हैं कि वो चलते 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 ही ट्रांस में कहीं आ जाते थे, वो देवी से बात करने लगते थे, वो खड़े हैं, कुछ तस्वीर नजर आई और यहीं कुछ उनके संवाद होने लगे, तो लोग उसको जिस रूप में भी ग्रहण करते थे। एक किस्सा मैंने पढ़ा कि एक व्यक्ति ने उनको, उनके परिचित होंगे, और उन्होंने उनको चुनौती दी कि ये जो आप जिस तरह से आप ये बात करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ये कोई है ही नहीं कोई ऐसी सत्ता बाहर जिसकी आप ये महिमा करते हैं और आप जिस अवस्था में पिछले जाते हैं, और मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि ईश्वर जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो परमहंस ने उनको आमंत्रित किया और उनके सामने उनका शास्त्रार्थ जैसा एक होता है कि मैं तर्क दूंगा और तर्क से ये सिद्ध करूंगा कि ईश्वर नहीं है, आपकी सारी मान्यताओं को मैं ऐसे गिरा दूंगा नीचे। ठीक है, अब वो आए और उन्होंने एक एक तर्क देना शुरू किया परमहंस के सामने कि ईश्वर नहीं है। अब परमहंस उनके हर तर्क पर मुग्ध हो जाएं और प्रसन्न होकर कहें कि वाह क्या बात कही है, वाह अद्भुत अद्भुत तर्क है ये। तो फिर वो अगला तर्क दें, वो ईश्वर का खंडन कर रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस की पूरी मान्यताओं को गिरा रहे हैं, लेकिन वो उद्विलित नहीं हो रहे हैं, वो गुस्सा नहीं हो रहे हैं, वो उसको स्वागत कर रहे हैं कि कितना अद्भुत आपने तर्क दिया है। अंत में वो परेशान हो गए कि मैं इतने तर्क दे दे के आपके ईश्वर का खंडन कर रहा हूँ, आपकी मान्यताओं को चोट पहुंचा रहा हूँ, और आप मुग्ध होकर उसमें बोले ये तर्क कहाँ से आ रहे हैं, आपका हर तर्क ये सिद्ध कर रहा है कि ईश्वर है, मनुष्य की क्या सीमा है। तो आप जरा इस पूरी सभ्यता और संस्कृति की जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं इसकी पाचन शक्ति की कल्पना करिए कि कितनी अद्भुत पाचन शक्ति है इसकी, क्या सामर्थ्य है, कुछ भी पचा जाए, कुछ भी सहन कर जाए। इसलिए जो सहिष्णुता का मुद्दा है, सहिष्णु होना असहिष्णु होना, भारत के ब्लड में नहीं है, रक्त में ही नहीं है, हर विचार स्वीकार है, हर विचार स्वीकार है। तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, भारत ने तो उसकी वो ऊंचाइयां देखी हैं अतीत में, और ये जो आज के संदर्भों में जब हम बात करते हैं तो हम
75 साल के संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत उसको कसने की कोशिश करते हैं, और जरा कहीं कुछ होता है तो वो कहते हैं कि भारत में अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। मतलब ये कौन कह रहे हैं? ये वो शाहीन बाग के लफंगे कह रहे हैं, ये वो बाघा बॉर्डर पर बैठे हुए अराजक लोग कह रहे हैं, जिनको क्षमा करें, मैं अभी जिस 3 वर्षों से जिस भूमिका में हूँ और मैं मेरे समक्ष आए हुए एक भारत के सबसे ताजा कानून जो 130 करोड़ नागरिकों को भारत की संसद ने दिया है, सूचना का अधिकार, ये 2005 में आया हुआ प्रावधान है। आजादी मिले हमको 75 साल का हम उत्सव मनाने की तरफ जा रहे हैं, ये अभी 15-16 वर्ष का एक कानून है जो सबसे ताजा कानूनों में है भारत में जो नागरिकों को दिए गए हैं। इसके जो उपयोगकर्ता हैं देश में, मैं अपने मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमें ये साबित करना पड़ेगा कि हम इस लोकतंत्र के योग्य हैं कितने, इस लोकतंत्र के योग्य हम कितने हैं, हमें अपने कर्तव्यों का कितना पता है। हम केवल अपने अधिकारों का रोना रोने वाले 75 साल में हमने पूरे एक कर्कश कोलाहल बना दिया है लोकतंत्र को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कोई ऐसा कुछ है कि सबकी जेबों में डाल दिया हुआ एक बत्ती कनेक्शन या मुफ्त का राशन जो घर घर पहुंचा दिया? मैं अपनी सुनवाइयों में ये कहता हूं कि भैया ये सूचना का अधिकार जो है, जिसके लिए बड़े बड़े लोगों ने लड़ाइयां लड़ी कि पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन में, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि वो जान सकें कि कहां क्या चल रहा है, ये उन्होंने इस नाते दिया हुआ ये ब्रह्मास्त्र है। पुराने समय में तप और साधना के बाद में अगर ऋषि प्रसन्न होकर देवता कोई अस्त्र आपको देते थे तो उसकी सावधानी भी देते थे कि ये हर कहीं नहीं चलाना है। राम को भी ये पता था कि वो अग्निबाण उनको उस पॉइंट पे जाके चलाना है, वो कहीं ही नहीं चला देना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये जो RTI है ये एक ब्रह्मास्त्र है, ये स्वतंत्र भारत में नागरिकों के हाथ में दिया हुआ ब्रह्मास्त्र है कि जब भ्रष्टाचार का भस्मासुर बिल्कुल ही सामने नजर आए और कोई अस्त्र वहां काम ना कर रहा हो, कोई प्रयास सारे विफल हो गए हो, तब चाहे तो इसका उपयोग करें। ये ऐसा अस्त्र है, मैं ये देखता हूं कि उसको लोग, मतलब मैं क्या कहूं कि कहीं भी निकाल के खड़े हो गए हैं, कहीं भी घात लगा के बैठे हुए हैं, 4 RTI लगाओ सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बना दिया उसको, ये इसलिए लाए। तो ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में जो पिछले 70-80 सालों में भारत में जो हुआ है, मैं ये बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि हम सबको ये पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि ये लोकतंत्र मिला ये संयोग और हमारे सौभाग्य हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या हम वाकई इसके योग्य हैं, इसमें हम में कोई कमी है। मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को 75वें जो आज़ादी के जश्न में पूरा देश जा रहा है, हमें इन विषयों पर कुछ पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि अभिव्यक्ति की कैसी आज़ादी हमें चाहिए है और जो लोकतंत्र हमें मिला है उसका हम क्या कर रहे हैं। इन 75 वर्षों के अनुभव पे हमें एक पुनर्विचार बैठक समाज में अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद।